हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पुलकित शर्मा, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। वेलकम टू माय चैनल नीट इन्फो। इस चैनल पे आपको नीट के रिगार्डिंग सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं और इस चैनल पे आपको आफ्टर नीट जो भी काउंसलिंग के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होंगी वो सारी इन्फॉर्मेशन भी इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करते हैं नीट पोस्टपोनमेंट के बारे में। नीट पोस्टपोनमेंट से रिलेटेड अभी एक न्यू अपडेट आ रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। आज टाइम्स ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल है उसमें नीट पोस्टपोनमेंट से रिलेटेड एक न्यू अपडेट आया है, जिसमें एनटीए ने माना है कि उनके पास बहुत रिक्वेस्ट आ रही है नीट पोस्टपोनमेंट करने से रिलेटेड। एट द सेम टाइम टाइम्स ऑफ इंडिया में एक और खबर आई है नीट पोस्टपोनमेंट से रिलेटेड, जिसमें एनटीए ने एक आरटीआई का रिप्लाई करते हुए ये बोला है कि अभी तक नीट की डेट वही है जो पहले से डिसाइडेड थी, 17 जुलाई। एज ऑफ नाउ अभी डेट में कोई चेंजेस नहीं है। कुछ बच्चे सोच रहे थे अभी तक कोई एडमिट कार्ड नहीं आया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई एडमिट कार्ड की। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है कि आपके एडमिट कार्ड कब रिलीज होंगे, आपके एग्जाम की सिटी आपको कब पता लगेगी, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है, ठीक है। तो अभी जो आपके एडमिट कार्ड है वो एग्जाम से लगभग 5 से 7 दिन पहले रिलीज होते हैं और जो आपके एग्जाम की सिटी है वो लगभग आपको 20 से 25 दिन पहले पता लगती है। तो कुछ लोग ये सोच रहे थे कि शायद इस वजह से एडमिट कार्ड नहीं आया क्योंकि एनटीए कहीं ना कहीं सोच रहा है कि एग्जाम पोस्टपोनमेंट कर दे। तो एज ऑफ नाउ एनटीए ने मना कर दिया इस चीज से कि अभी तक जो एग्जाम की डेट है वो 17th of July ही है, तो आपको उसी अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करनी है। रही बात एग्जाम पोस्टपोनमेंट होने की या नहीं होने की, वो डिसीजन अपने ऊपर नहीं है, वो एनटीए को डिसाइड करना है। आप अगर एग्जाम पोस्टपोनमेंट भी होता है 30 से 40 दिन 45 दिन जितने भी दिन पोस्टपोन होता है, तो अभी से आपको पढ़ना पड़ेगा जब जाके आप उस टाइम का फायदा उठा पाओगे। और अगर एग्जाम पोस्टपोन नहीं भी होता है तो अभी आपके पास काफी सारा टाइम है, 25 दिन का टाइम है। 25 दिन के आसपास के टाइम में आप अच्छे से पढ़िए, पूरा दम लगा के जितना आप पढ़ सकते हैं, 10 से 12 घंटे 16 घंटे तक जितना भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, उतना पढ़िए। और लास्ट टाइम पे रिवाइज करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, सब कुछ करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करिए और जितना रिवीजन कर सकते हैं, मल्टीपल रिवीजन इज द की, ठीक है। जितना रिवाइज करोगे लास्ट के कुछ दिनों में उतना ही आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ क्वेश्चन नए भी कर सकते हैं आप, जिससे कि आपका एग्जाम का ओरिएंटेशन बने, ठीक है। इसके लिए मैं अनअकैडमी पे खुद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। अनअकैडमी पे ज्वाइन करिए मेरे साथ, फ्री लाइव क्लास होती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा। मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के फ्री क्वेश्चंस करवा रहा हूँ फ्री लाइव क्लास में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शामिल हैं, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन क्वेश्चंस हर चैप्टर वाइज जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं हर साल, वो भी मैं करा रहा हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वो भी ज्वाइन कर लेना, जिसपे शेड्यूल मिलता रहेगा। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अनअकैडमी प्रोफाइल जाके मेरे को अनअकैडमी में फॉलो कर लेना। आपको फ्री में क्लास लेने के लिए जो कोड डालना है वो पुलकित10 PULKIT10 कोड डाल के आप फ्री में क्लासेस में आ सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी पे आप पिछले 15 साल के नीट के क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, उनमें आपको अपनी ऑल इंडिया रैंक भी मिलेगी, आपको अंदाजा लग जाएगा क्वेश्चन पेपर कैसा आता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रिपरेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिससे आपको पेपर का आइडिया लगता है, डिफिकल्टी लेवल सब कुछ आप मेजर कर सकते हैं उनसे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखिए, प्रिपरेशन करते रहिए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको और भी अपडेट्स नीट से रिगार्डिंग और जो भी चीज़ें हैं वो आपको इस चैनल पर मिलती रहे। थैंक यू।